अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाज़रीन इकराम, आज का नौजवान बेशतर अक्सर जो है हाथ में मोबाइल फ़ोन और एक हाथ में सिगरेट पकड़े हुए हैं, लेकिन इस करोना वबा के दौरान, इस लॉकडाउन में हमारे नौजवान सारे के सारे तलबा यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने खल की खिदमत का बेड़ा उठाया है। हम जानना चाहते हैं, हॉस्पिटल के करीब जो है आप खड़े हुए हैं आज, इसका जो है क्या मतलब है कि आप लोगों ने किस किस्म का कुछ इंतज़ाम किया है सर? तो आप, हम जानना चाहते हैं कि आपका क्या बेड़ा है, आप क्या करना चाह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हमारा ट्रस्ट यहाँ पे आज जो खड़ा हुआ है, इसका नाम है पीस वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एजुकेटेड तबके के लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर अगर नौजवान चाहते तो इसके अंदर अपना वक्त कहाँ भी दे सकते थे। जैसा कि आज बहुत सारे लोग अपने जहाँ जहाँ खेलने में लगा रहे हैं, कोई लोग ऐसे हैं जो पिकनिक में लगा रहे हैं, कोई लोग ऐसे हैं इधर उधर घूमने में लगा रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन लोग हमारे पूरे स्टूडेंट्स मिलकर एक ट्रस्ट बनाकर इस वबा के अंदर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस वबा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पीस वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, अल्हम्दुलिल्लाह MMA हॉस्पिटल जो कोविड सेंटर है, जो हॉस्पिटल है अल्हम्दुलिल्लाह से जो कोविड सेंटर के अंदर तब्दील किया गया है, और दूसरा जो हमारा फारूखिया सेंटर है, तीसरा मल्लाड नर्सिंग होम है, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिन हॉस्पिटलों के अंदर हमने ये बेड़ा उठाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब तक ये कोविड ख़त्म नहीं होता तब तक इंशाल्लाह हम लोग इनको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो सर, जिस तरह पीस वेलफेयर जो ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, क्या उसमें किस किस्म की कोई इमदाद, जैसे कि सियासत से या कोई बाहर से आपको इमदाद ताउन हो रहा है, या आप अपनी तरफ से अपने अखराजात से कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह का बड़ा करम के हमारे पीछे किसी का ताउन नहीं है, कोई सियासी लीडर भी नहीं है, कोई पॉलिटिशियन भी नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ताउन है, जो हमारा पॉकेट मनी है, जो हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जो हमें जो सपोर्ट करने वाले हैं, हमारे जो हम ताउन करने वाले हैं, उनके ताउन से हम ये काम कर रहे हैं। हमारे पीछे किसी का हाथ भी नहीं है, कोई पॉलिटिक्स का हाथ नहीं है, और हमें कहीं से फ़ंड नहीं आ रहा है, कोई गवर्नमेंट का फ़ंड हो, कोई कॉरपोरेटर का फ़ंड हो, और कोई सियासतदान का फ़ंड हो, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी फ़ंड नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पॉकेट मनी से चल रहा है, और अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए हमारे जो हमें जो सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे जो भी कॉन्ट्रीब्यूटर्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा मस्जिद दारुस्सलाम के कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे, जो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे अतराफ के कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, और MMA हॉस्पिटल के कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे कॉन्ट्रीब्यूट की वजह जिना पर जो चल रहा है, इसके अंदर कोई भी सियासतदान नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई पॉलिटिशियन नहीं है, इस बिना पर काम चल रहा है। सर, हम जानना चाहते हैं, क्या आपके ट्रस्ट की जानिब से, आपके ये पीस वेलफेयर ट्रस्टेबल जानिब से सिर्फ नाश्ते की हद तक है, या और आप कुछ और मतलब कर रहे हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले तो हमारे पास एक एम्बुलेंस, जो लास्ट ईयर हमें एम्बुलेंस इनॉग्रेट किए थे, इस एम्बुलेंस के अंदर हमें क्या है सर्विस दे रहे हैं। अगर कोई आदमी ऐसा है जिसके अंदर अफोर्ड करने की ताकत नहीं है, अगर वो कॉस्ट नहीं दे सकता, एम्बुलेंस का जो खर्च नहीं उठा सकता, ऐसे आदमी को हम फ्री सर्विस दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो आदमी दे सकता है रीजनेबल प्राइस ले रहे हैं, और रीजनेबल उसे क्या है शिफ्टिंग करके दे रहे हैं। अगर शिफ्टिंग का मसला है, अगर बॉडी शिफ्टिंग का मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह इस कोविड वबा के अंदर कम अज़ कम हमने एक 15-20 बॉडीज़ के अंदर हमें अल्हम्दुलिल्लाह मदफून के अंदर साथ दिया है। जैसा कि हमारा गोनीकप्पा है, पल्लेगाल है, प्रियापटना है, ऐसा अतराफ के जितने भी मैसूर डिस्ट्रिक्ट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जाकर हमने ताउन भी किया है। और हमारा टीम जो है अल्हम्दुलिल्लाह MMA हॉस्पिटल से होके, जहाँ अगर यहाँ पे कोई एक भी कॉल आ जाता है तो इमीडिएट हम हॉस्पिटल से का हम हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस लेकर आते हैं, हम सर्विस देते हैं। और दूसरी बात यह है, इसके अंदर हमने ड्राइवर को नहीं रखा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर ड्राइवर को नहीं रखा है। जैसा कि इसके अंदर प्रेसिडेंट है तो वो भी गाड़ी चला लेता है, सेक्रेटरी है तो वो भी गाड़ी चला लेता है, अगर ट्रेजरर है वो भी गाड़ी चला लेता है, इसलिए कि हमें हमारा आना टूटना चाहिए, क्यों हम कौम की खिदमत के लिए खड़े हैं, लीडरशिप के लिए नहीं खड़े। अगर हम कौम का काम करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह एक ना एक दिन हमें ज़रूर बढ़ाएगा। तो हमारा मकसद ये है कि आप हमारा साथ दें, आप भी कुछ ना कुछ करने वाले बन जाएँ। कौम आज बहुत प्यासी है, कौम आज बहुत तकलीफ़ में है, बहुत मुशक्क़तों में है। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये अपील करता हूँ कि सारे के सारे, अगर ये कम्युनिटी हो, अगर हर एक चीज़ को लेकर चलना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि मुस्लिम कम्युनिटी है, हर एक कम्युनिटी को लेकर चलना है। अगर हम साथ देने वाले बन जाएंगे, अगर काम करने वाले बन जाएंगे, तो इंशाल्लाह हर एक के अंदर से भी निकल जाएगा। जी सर, इस चैरिटेबल ट्रस्ट के सेक्रेटरी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। सर, हम जानना चाहते हैं, नौजवान जो है कौम का भी मुस्तकबिल है और हमारे देश का भी मुस्तकबिल है, तो इस के दरमियान जो है नौजवानों को आगे आकर इस तरह जो है हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलने में आपका क्या कहना है? मेरा तो कहना यह है कि हमें कितने भी यूथ्स हैं जो एजुकेशन कर रहे हैं, सब भी क्या कर रहे हैं, गलत जगह पर जा रहे हैं। इससे बेहतर, इससे बचने के लिए हमारे को क्या करना, उनके एरिया में जहाँ जहाँ उनके मकामी एरिया में
छोटे छोटे एक्टिविटी शुरू करना, जैसे कि बच्चों को एजुकेशन के लिए, अगर समझो एक हॉस्पिटल के लिए कोई मरीज है जिसके हाथ से एक 200 रुपये देने की ताकत है, तो वो कंट्रीब्यूशन करने का स्टार्ट करना। अगर ऐसा एक आदमी एक पेशेंट का जिम्मेदारी ले सकता है, अगर 200 रुपये समझे 300 रुपये समझे एक ऐसा स्टार्ट कर देंगे, तो कोई हेल्थ का सिस्टम जो है ना अच्छा, इंडिया का हेल्थ सिस्टम अच्छा हो जाएगा। हमें इसके बिना पर एजुकेशन है ना, हमारा एजुकेशन बहुत लो, हमें अच्छा एजुकेशन नहीं दे रहे। जहाँ जहाँ मजलूम है परेशान है, वही से बच्चों को जाकर एजुकेशन दिया तो बहुत अच्छा है। जी सर, जिस तरह आपका इस लॉकडाउन में कोरोना वबा के दौरान जो ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ते का जो इंतज़ाम किया गया है, उसके पीछे आपकी कितनी मेहनत रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे वॉलंटियर्स की बहुत सारे खिदमत हैं। हम तरकारी लेने जाते हैं तो लगभग नाइट 10:30 बज जाते हैं, 11 बजे बज जाते हैं, वहाँ से आके काटना सब करके 1:30 बजे हमारे नौजवान पूरे जितने भी हैं, पूरे इंजीनियर्स हैं, ऑडिटर्स हैं, लॉयर्स हैं, सभी हैं, 1:30 बजे तक रात 1:30 बजे हो जाते हैं सोने के लिए। उसके बाद फ़ौरन फजर पड़ते ही 6:30 बजे घर छोड़ के आते हैं खिदमत करने। पैकिंग का मसला रहता है, रोटी पकाने का मसला रहता है, पूरे की खिदमत बहुत हमें शुक्र गुजार हैं हमारे वॉलंटियर्स का जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उनका, और जो खिदमत कर रहे हैं ना वक्त निकाल के बहुत सारे खिदमत कर रहे हैं, हम उनका भी शुक्र गुजार करते हैं। हाँ, आपकी खिदमत को जो है देखा जा रहा है, आपके साथ बहुत सारे साथियाँ जो हैं यहाँ पर कोविड सेंटर में जो है बहुत सारी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसको लेकर जो है हमारी एक पीस वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से हर दिन जो है नाश्ते का जो इंतज़ाम किया गया है, और बाकायदा घरेलू खाना है और इसका जायका भी घरेलू है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। देखो पहले ही अच्छी हो तुम्हें। जी सर। देखो गर्म खाना, बहुत गर्म है। चाकना बेहतरीन चाकना, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह अभी खाना देते हैं, लेकिन फौरकिया कोविड सेंटर में जो भी खाना दे रही माशाल्लाह, मरीज़ा भी बहुत खुश होकर खा रही हूँ उसे, कोई भी वेस्ट नहीं कर रहे, और वॉरियर्स जो भी सबके लिए खाना आ रहा है इधर, सिर्फ मरीज़ के लिए कर नहीं, जो भी इधर खिदमत कर रहा है उनको खाना आ रहा है, और अच्छे से अच्छा खाना आ रहा। सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा आता, कल ने की तरकारी की उपीट आई थी, घर में भी ऐसी उपीट नहीं पकाते, उतनी बेहतरीन उपीट थी, और रोटी और चाकना, रोटी तो इतना अच्छा पैकिंग करके आता है कि कोई अच्छे होटल में जो पैक होता है ना, वो हिसाब से पैक होकर आता है माशाल्लाह। खाना पाक साफ रहता है, सबसे पहले दो चीज़ ज़रूरी है खाने में, कि पाक साफ रहना और मज़ेदार रहना, और जो पेशेंट को किस हिसाब का खाना देना, कोविड में नहीं कि कोई रोक नहीं है खाने पीने में, परहेज़ नहीं है, कोई भी खाना अच्छा खाना खाना है, क्योंकि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ने के लिए खाना बहुत ज़रूरी होता है मेडिसिन के साथ में, इसलिए नहीं कि खाना जो इन्हों दे रहे हैं माशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन खाना दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो भी काम कर रहे हैं, जो भी जिम्मेदार हैं और जो भी पेशेंट आए, वो बहुत खुश हैं खाने से, क्योंकि लास्ट टाइम भी नहीं कि माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना मिलता था यहाँ, लास्ट टाइम ये जो कोविड फर्स्ट ईयर कोविड जो आया था उस टाइम पर भी तीनों खुद का खाना जो जिम्मेदार लिए थे वो भी बेहतरीन था खाना। अब जो तीन टाइम का जो खाने का जिम्मेदारी ले कोई, वो भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन खाना है, और ख़ासकर नाश्ता तो बहुत अच्छा आ रहा है। दूसरी बात सवाल यहाँ पर आता है, क्योंकि जो मरीज़ होते हैं उनको जो है वक्त पर खाना ज़रूरी है, जिस तरह डायबिटीज़ वगैरह के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ये समझकर, मैं खुद निकलने से पहले ये सुना कि भाई डायबिटीज़ हैं थोड़ा जल्दी जाकर खाना पहुँचाएँ, इस तरह जो है अपना मतलब अपना समझकर जो काम कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर एक बात बोलता हूँ, देखो कोई भी काम है ना शुरू होने टेम्पो शुरू हो कोई 2-3 दिन सेट होने के लिए वक्त लगता है, कोई कोई है ना जो भी ना खिदमत कर रहे हैं उन्होंने दिल से खिदमत करने का कोशिश करते हैं, और उन्होंने अपने जान और माल दोनों भी इसमें डाल कर रहती खिदमत। इसमें क्या है, पैसा डालने वाला पीछे रहता है, पैसा वो दिखता नहीं उन्हें, जो सामने खुद को काम करता ना उन्हें दिखता है, लेकिन काम दोनों की मेहनत सेम रहती है वहाँ। रही बात नहीं कि डायबिटीज पेशेंट की जो बारे में बात बोले, आप सही कहा, क्योंकि उनको इंसुलिन देना का रहता है, उस टाइम पर उनको फ़ौरन तुरंत नाश्ता होना ज़रूरी होता है। एक दिन पहली बार नहीं कि जो पहला दिन यानी कि कन्फ्यूज़ हो गया उनको, डेट उनको गलफे में होगी थी कि ये डेट नहीं हमें कल से नाश्ता देना है, उसमें नहीं कि गलती होगी, वो हो सकता है, एक्सक्यूज़ तो है, क्योंकि है ना हर आदमी भी इंसान है, इंसान से तो गलतियाँ होती। दूसरे दिन ने कि एक आधा घंटा लेट आया बस, उसके बाद में हम लोगों ने इन्फॉर्म करा डायबिटीज़ के पेशेंट है, क्योंकि है ना इन्हों एक ही जगह नहीं दे रहे, इन्हों 3-4 जगह इन्होंने कि इसका ये कर रहे हैं, तो नहीं क्या थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। कल से अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पर खाना आ रहा है, अभी देखो आज आ गया खाना अभी तक, अब डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया खाना अल्हम्दुलिल्लाह। गलतियाँ इंसान से होते हैं, लेकिन गलती को लेके अगर हमें चलते रहे तो
उसे लंबा करते रहे तो ये जब खिदमत करने वाले कमी हो कमी पड़ जाती है बाद में, कोई भी नहीं कि खिदमत करने के वास्ते आगे नहीं बढ़ता, क्या भाई इतना सभी करती हैं मैं, लास्ट में नहीं कि नाम ऐसा बदनाम होता है, ये नहीं करो अल्लाह के वास्ते, जो भी है ना खिदमत कर रहा है उसकी नहीं कि इज्जत करो। कभी कभी उनसे गलतियाँ होते हैं, गलतियाँ उन्होंने कौन भी जानबूझ कर नहीं करते, कहीं कहते हैं उन्होंने जो कर रहे हैं काम, बहुत सारे करोड़पतियाँ ही लखपतियाँ ही कौन भी आ रहे नहीं घर से बाहर, इसमें पाँच इंडिया के अंदर 60% करोड़पतियाँ हैं, 60% 40% गरीब आई, अगर एक करोड़पति भी दो गरीब को लेकर अगर चलता है तो हिंदुस्तान गरीब नहीं रहता, हिंदुस्तान गरीब देश नहीं रहता। लेकिन कोई भी नहीं सोच रहा आज के माहौल में क्या है, अपना घर अपना बच्चे अपने जरूर बच्चे अच्छे रहे तो बस, दूसरे से मतलब नहीं है उनको, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಸಹಕರಿಸದೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅವನು ಮುಂದೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯಾವತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ, 4 ಜನ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ 10 ಜನದಲ್ಲಿ, 6 ಜನ ಮನೇಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಆ 6 ಜನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, 4 ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಲದವನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದವನಿಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ, ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಬೇಡಿ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳಬೇಡಿ, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆನು? ಮತ್ತು ಊಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಊಟ ನೋಡಿ 3 ಟೈಮ್ ಊಟ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಎಂತೆಂಥ ಬಡವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮೆಡಿಷನ್ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾವು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಂತೆಂಥ ಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾಮೂಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಒಂದು 2 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ, ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ದೇಶ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿ ಕೂತಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮನೇಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನು ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೋವಿಡ್ ಆದರೆ ಆಗ ಆ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಯಾವುದಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡಿಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪು ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮು ಎಲ್ಲ 3-4 ಕಡೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಬರಬೇಕಿರು, ಅಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ 1/4 ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ದೇವ್ರದಿಂದ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ಊಟ, ಆನ್ ಟೈಮ್ ಊಟ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಊಟ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಪಾತಿ ಪಲ್ಯ ತರಕಾರಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಇಂಥ ವೆರೈಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮೆನು ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೆನುಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸ ಅವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಅವನಲ್ಲಿ 10 ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಡಿಬೇಡಿ, ಅವ್ನು ಮಾಡಿರೋ 9 ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಜಿ ಸರ್, ಬಹುತ್ ಶುಕ್ರಿಯ. ಹಮಾರೇ ಅಬ್ರಾರ್ ಭಾಯಿ ಜೋ ಪಿಛಲೆ ಮರ್ತಬಾ ಜಬ್ ಕೋವಿಡ್ ಆಯಾ ಥಾ ಉಸ್ ವಕ್ತ ಸೇ ಜೋ ಹೈ ಅಬ್ ತಕ್ ಖಿದ್ಮತ್ ಅಂಜಾಮ್ ದೇ ರಹೇ ಹೈ, ಇನ್ಕಾ ಕಹನಾ ಹೈ ಕಿ ಜೋ ಭೀ ಖಿದ್ಮತ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ ಉನ್ಕಿ ಖೂಬಿಯೋ ಕೋ ದೇಖಿಯೇ, ಉನ್ಕಿ ಖಾಮಿಯೋ ಕೋ ನಹೀ. ಇಸಿ ತರಹ ಪೀಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೇ ಆಗೇ ಬಡ ಚಡ್ ಕರ್ ಜೋ ಹೈ ನಾಷ್ಟೇ ಕಾ ಜಿಸ್ ತರಹ ಘರೇಲು ಖಾನಾ ಪಕ್ತಾ ಹೈ ಉಸಿ ತರಹ ಜೋ ಹೈ ಹಮಾರೆ ಜಿತನೆ ಭೀ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಹೈ ಜಿಸ್ಮೇ ಜರೂರತ್ಮಂದ್ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ಲಿಯೇ ನಾಷ್ಟೇ ಕಾ ಇಂತಜಾಮ್ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕುಲ್ ಮಿಲಾಕೆ ಆಪ್ ಜೊ ನಾಷ್ಟಾ ಜೊ ಹೈ ಇಂತಜಾಮ್ ಆಪ್ನೆ ಕಿಯಾ ಹೈ? ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಯೇ ಹಮಾರೇ 3-4 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಹೈ ಜಿ, ಏಕ್ MMA ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೈ, ದೂಸರಾ ಮಲ್ಲಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಹೈ, ತೀಸರಾ ಫಾರೂಕ್ ಹೈ, ಉಸ್ಕೆ ದೀಗರ್ ಭೀ ಹಮ್ ಹಮಾರೇ ಪಾಸ್ ಫಂಡ್ ಜ್ಯಾದಾ ರಹತಾ ಹೈ, ಹಮೆ ಜ್ಯಾದಾ ಪಕಾಯೆಂಗೆ ತೊ ಜಾಕೆ ಕಿಯರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೈ ನಾ, ವಹಾಂ ಭೀ ಜಾಕೆ ಅದ್ಮಿಯಾಂ ಕೋ ಬಾಂಟತಿ ಹೈ, ಪೂರಿಯಾಂ ಕೋ ಬಾಂಟತಿ ಹೈ, ಕೌನ್ ಕೌನ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಜಗಹ ಭೀ ಖಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ತಂಗಿ ಹೈ, ಜೈಸಾ ಕಿ ಹಮಾರಾ ತನ್ವೀರ್ ಸಡ್ಡಗರ್ ಕೆ ಪೀಚೆ ವಹಾಂ ಭೀ ಏಕ ಇಲಾಖಾ ಹೈ, ವಹಾಂ ಭೀ ಏಕ 10-11 ಬಜೆ ಅದ್ಮಿ ಹೈ. ಯೇ ಬಾರ್ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಯೇ ಬಾರ್ ಹಮ್ ಗಯೆ ಥೆ ಅಭಿ ರಮಜಾನ್ ಕೆ ವಾಸ್ತೆ ಈದ್ ಕಿ ಕಿಟ್ ದೇನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಗಯೆ ಥೆ, ವಹಾಂ ಪೆ ಅದ್ಮಿಯಾ ಫುಲ್ ರೋ ರಹೇ ಹೈ, ಹಮನಾ ಪೂರಾ ಯೇ ಪೂರಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮೇ ಹಮನಾ ಕೋಯಿ ಆಕೆ ಸಾಥ್ ನಹೀ ದಿಯಾ, ಯೇ ಪಹಲಿ ಕಿಟ್ ಹೈ ಆಪ್ಕಿ ಜೋ ಹಮೇ ಮಿಠೈ ಕಿ ಕಿಟ್ ಹೈ, ವೋ ಪಹಲಿ ಕಿಟ್ ಲೇಕರ್ ಆಕೆ ಆಪ್ ಹೀ ದಿಯೆ ಥೆ, ಕೋಯಿ ನಹೀ ದಿಯಾ ಥಾ, ತಮೇ ಮೇ ಹಮಾರೇ ಪೂರಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಜಾಕೆ ಉನ್ಕೊ ತಸಲ್ಲಿ ದಿಯೆ, ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಹಮಾರಾ ಹಾತ್ ಸೇ ಕಿತ್ತಾ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಥಾ ಖಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ರಾಷನ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕಿತ್ತಾ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಥಾ, ಜಾಕೆ ಉನ್ಕೊ ಹೆಲ್ಪ್ ಕಿಯೆ ಹಮ್ನೆ. ಜಿ ಸರ್, ಆಪ್ ನೌಜವಾನೋ ಕೆ ದರ್ಮಿಯಾನ್ ಜಿಸ್ ತರಹ ಜಜ್ಬಾ ದೇಖ್ ರಹೇ ಹೈ ತೋ ಆನೆ ವಾಲಿ ನಸ್ಲ್ ಹಮಾರಿ, ಉಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಪ್ ಕ್ಯಾ ಕಹನಾ ಚಾಹೆಂಗೆ, ಉನ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಕ್ಯಾ ಪೈಗಾಮ್ ದೇಂಗೆ ಆಪ್? ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಮೈ ಆಗೆ ಆನೆ ವಾಲಿ ನಸ್ಲ್ ಕೋ ಯೇ ಬೋಲ್ನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ ಕಿ ಜೊ ಯೇ ವಬಾ ಚಲ್ ರಹೀ ಹೈ ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಹುತ್ ಜರೂರಿ ಹೈ.
इसमें एजुकेशन के बाद हेल्पलाइंस बनना ज़रूरी है हमारे कौम के लिए, हमारा कौम का आदमी ही खोलना बहुत ज़रूरी है। दूसरा बहुत तासुब का है, बहुत इसका है, हमारे बड़ों के साथ लेकर चलना, हमारे बच्चों को एक मुस्तकबिल देना, तो एजुकेशन देना, उनको डॉक्टर भी बनाना, लॉयर भी बनाना, पॉलिटिक्स भी बनाना, हर चीज़ से बनाकर कौम का जज्बा सिखाना है अपने बच्चों के लिए। वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से मैं हमारे हर दिल अज़ीज़ हज़रत का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि हमारे हर एक छोटी सी दावत पर लब्बैक कहते हुए उन्होंने यहाँ पर आए, हमारा लाइव जो रिकॉर्डिंग था, लाइव रिकॉर्डिंग दे अफसरी मैसूरी साहब जो हमें बहुत साथ दिए थे, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये भी दरख्वास्त करता हूँ कि अगर कोई ऐसा शूट करना चाहते हैं, अगर कोई ऐसा कमेंट देना चाहते हैं, अगर किसी को अगर न्यूज़ वायरल करना है, अगर कराना है, तो मैं ये भी दरख्वास्त करता हूँ कि फ़ौरन अफसरी मैसूरी साहब से मैं दरख्वास्त उनसे मैं उनको कॉन्टेक्ट करने के लिए आपसे अपील करता हूँ। और अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज फरमाए, अल्लाह ताला इनको सेहत कामिला आजिला मुस्तैर दाइमा नसीब अता फरमाए, अल्लाह ताला ऐसों का साया देर तक हम सब पर खायम व दायम नसीब अता। आप देख सकते हैं यहाँ पर ना कोई सियासतदान मौजूद हैं, ना ही कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन। कौम का जो मियार है इन नौजवानों के कंधों पर है, इसीलिए कहा गया है कि इत्तेहाद में क़ुव्वत है। तो आज हमारे जितने भी तलबा हैं, खुसूसन तलबा जो हैं, ये बेड़ा उठाए हैं कि लोगों की खिदमत अंजाम तक पहुंचाएं। तो इसी तरह हमारे शहर मैसूर में ख़ासकर राजू नगर के रहने वाले सारे साथी जो है एकजुट होकर लोगों की खिदमत और उनकी परेशानियों को दूर करने का बेड़ा उठाया है। इसी तरह शहर मैसूर में बहुत सारे जगह हैं, बहुत सारे इलाके हैं, वहाँ पर भी अपना एक टीम बनाएं, अपनी एक ग्रुप बनाकर जो है लोगों की खिदमत करने के लिए आगे आएं। और अगर आप चाहते हैं तो इनका ताउन भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने काम को अंजाम देने का बेड़ा उठाया है। इसी तरह हमारे न्यूज़ चैनल को आगे शेयर करते रहिए, और आप लोगों की क्या राय है इन लोगों के बारे में और इनकी खिदमत के बारे में, ख़ासकर जिन्होंने नाश्ते का, ब्रेकफास्ट का जो इंतज़ाम किया है उसके बारे में कमेंट्स कीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।